मूस। यहाँ पे बूढ़े अम्मा पापा है वो भी बैठ के आइसक्रीम में खा रहे हैं। जो अब ये देखें जैसे हंस रही है, गुड बाय। यार देखो यार यहाँ पे लड़कियां ने मारती हैं, मैं तो सोचा कि अच्छे लोग होंगे। ये वो रील वाली मशीन है भाई जिसके जरिए पुराने दौर में फिल्में देखी जाती थी। रैप सॉन्ग लगे हुए हैं भाई यहाँ पे भी। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मैंने शाम को शिराज के लिए भी निकलना है तो कुछ खाने पीने का हिसाब लगाते हैं। सर यहाँ पे आइसक्रीम की शॉप्स होनी चाहिए थी, पता नहीं क्यों नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस टाइम मौजूद हूँ इस्फहान शहर में। तहरान से तकरीबन 280 किलोमीटर के फासले पे मौजूद है। इस्फहान को निसफ जहाँ भी कहा जाता है और इसकी खूबसूरती की वजह से इस्फहान में बेसिकली वैसे तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं, लेकिन खाजो पुल जो है, पुल खाजो यहाँ पे इसको कहा जाता है, बहुत ही मशहूर तरीन पुल है। और आज वैसे भी मैंने यहाँ से निकलना है भाई, लोग बड़े एडवांस हैं यार यहाँ पे। यहाँ पे आके आपको ज़रा भी फील नहीं होगा कि आप इस्फहान में या यूरोप में फिर रहे हैं। ईरान वाली तो फीलिंग ही नहीं आती ना, जो थिंकिंग हमारे माइंड में ईरान का सोच के आती है, ईरान बिल्कुल उसके बराबर। वहाँ से मुझे मेट्रो भी लेनी है और मेट्रो लेके वापस स्टेशन पे जाना है। एक छोटी सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि मुझे अभी तक नाम का नहीं पता। यहाँ से पूछता हूँ यार कि आइसक्रीम का छोटा कप कितना है। आइसक्रीम सेम लाइक दिस वन, हाउ मच? यहाँ से आइसक्रीम ले लेंगे। हाउ मच? 1,500. 1,500 too much. Riyal. This is in Riyal. यानी तकरीबन 1,500 तुमान का एक कप मिला है। 1,500 तुमान इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि शायद ये 150 तुमान मांग रहे हैं, तो 150 तुमान जो है ये बहुत ज्यादा हो जाना था। तकरीबन 1,000 को भी क्रॉस कर जाना था। मुझे लगा भी एक कप छोटा सा 1,000 रुपए का, यार हैरानगी वाली बात है। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, वो रियाल में मांग रहा है और मैं तुमान सोच रहा था। ये हो जाता है ना शुरू शुरू में, नए नए आप आए हो ना तो करेंसी को समझने में बड़ा प्रॉब्लम होती है। मैं सोच रहा था मैं कि शायद हो सकता है कि यार ये बंदा मेरे साथ जो है ना वो फ्रॉड कर रहा है, फॉरनर समझ के, इसलिए वो तकरीबन 150 तुमान मांग रहा है। सोच रहा था क्यों मैं वापस कर दूँ, लेकिन वो जब मेरे जहन में आया कि यार शायद हो सकता है कि ये 15 तुमान मांग रहा, जब मैंने निकाल के दिए तो उसने ले लिए, तो फिर वो थोड़ा दिल को हौसला और इत्मीनान हुआ कि नहीं यार बंदा ठीक। कोई जगह ढूंढते हैं और वहाँ पर बैठ सुकून से इस आइसक्रीम को इंजॉय करते हैं। I'm from Pakistan, yeah. Pakistan? Yeah, Pakistan. You want to eat? No. Rafi me get it? Yeah. Ninja? Yeah. Khube? Yeah. Pakistan na khube? No, Pakistan good. Tamiz. Nice. Pakistan ka shayn? Chai umati? Na Farsi. Na Farsi. Na Farsi. Ab pata nahi baba ji kya bol rahe hain? No. Puch raha anguthi wagera hai tumhare paas? Maine kaha nahi. Chocolate aur powder type ki feeling aa rahi hai jaise. पता नहीं ये भी इनकी कोई अपनी होगी इसलिए नहीं पता चलता। नो इंग्लिश? नो, दैट्स अ प्रॉब्लम। इंग्लिश ही बोले लिट दे विल फाइट। नो मुस्लिम। बाबा दैट बूस हां नो बट इफ दे फाइट लाइक दिस देन नो So let's talk. बाबे भी अपने ना मस्ती ची बैठे नहीं था। उन्हरा हमको मादरे फिर कनानी। They are same age with you. यहाँ पे इस साइड पे बूढ़े बैठे हुए हैं और सामने जो है ना वो बूढ़ी अम्मा बैठी हैं, दोनों सेम। पश्चिमी ना फारसी में रहते हैं। बाबा कहता वो खतून बैठी हुई है, जाके उससे बात करो। मैं वो मारेगी, कितनी मारेगी, गुस्सा देगी। यहाँ पे माहौल ही वखरा है। यहाँ पे बूढ़े अम्मा पापा है वो भी बैठ के आइसक्रीम में खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और हमारे वाले देखो लड़ाइयाँ नहीं खत्म होती। यार कितने अच्छे खुश मिजाज लोग हैं यार, कितने प्यार से लोग मोहब्बत के साथ रहने वाले, और हमारे वाले यार कमाल है। सीखना चाहिए हम इन लोगों से ना, खासकर ये रहन सहन तो इनसे सीखना चाहिए कि सलूक कैसे करना है एक दूसरे के साथ। बाकी कल्चर हर किसी का अपना अपना भाई बहुत अच्छा है। पाकिस्तानी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, ये लोग अपनी जगह अच्छे हैं। यहाँ पे भी लोगों को मूछें बड़ी बड़ी रखने का शौक है, ये तो फिर हर जगह हर किस्म के लोग होते हैं, ये बात तो है। उस मेट्रो स्टेशन पे बैठने से बेहतर है मैं ना पीछे वाला है वहाँ से बैठ जाता हूँ, तब तक ब्लॉगिंग भी हो जाएगी, थोड़ी चहल कदमी भी, और वहाँ से फिर वापस कमरे में चला जाऊँ, वहाँ से सामान उठाना है, फिर मुझे जाना है जनाब शाम को शिराज। और ताकि शाम को इसलिए निकलूंगा ताकि मैं सुबह शिराज पहुँच सकूँ। शिराज का सफ़र यहाँ से तकरीबन 8 घंटे का और 500-600 किलोमीटर है, टाइम नहीं भी लगेगा, आसानी के साथ पहुँच जाऊँ। ये एक कार्ड, मुझे मेमोरी कार्ड यहाँ से 128 GB है,
480 तकरीबन पाकिस्तानी 3500 रुपए में मिल रहा है, इतना महंगा नहीं, पाकिस्तान में भी इतना मिल जाता है। डज इट हैव वारंटी? गारंटी है, यू हैव इट हैव हाउ मेनी डेज? अगर होगी भी तो कौन सा, पाकिस्तान से ही हम वापस करने आ जाऊंगा। डिस्काउंट? नो। नो डिस्काउंट? नो। इज इट ओके? नो नो। ये मैंने कार्ड इसमें डाल लिया तकरीबन, और ये 4 घंटे से चल जाएगा, 4 घंटे की ब्लॉगिंग हो जाएगी, 128 GB। क्या मोबाइल शॉप यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे एक्सेसरीज और तकरीबन सारा सामान मिल जाता है, ये ठीक रहेगा मुझे। तकरीबन पाकिस्तानी 3400 रुपए में मिला है और पाकिस्तान में 3000 में मिल जाता है, 400 रुपए ज्यादा है, इतना ज्यादा नहीं है। अगर अमेरिका की पाबंदियां हैं तो फिर इतना तो बनता ही है ना, ये ठीक है। ओके ब्रदर, मानो कार्ड जी मैंने यहाँ से ले लिया, पहले मैंने पता किया था तो वहाँ पे रेट यहाँ पे इतने ज्यादा नहीं, बंदा मैं कहे कि यार यहाँ पे कार्ड वगैरह के रेट ज्यादा है, नहीं इतने ज्यादा नहीं। अब मुझे यहाँ से आगे कोई वापस मेट्रो पकड़नी है, मेट्रो पकड़ के मुझे शिराज जाना है और शिराज में फिर घूमना फिरना। अच्छा आपको एक चीज दिखाऊं, लगता है यार ये इनको घुमाते हैं। यार इसमें छोटा सा इंजन भी लगा हुआ ही है लेकिन उसके साथ पैडल वगैरह भी लगे हुए हैं कि वो इस तरह पैडल लोग मारते हैं तो वो चलता जाता है। यार कमाल है, इन्होंने बड़ी तरक्की कर ली और ये लोग बड़ा आगे निकल चुके हैं काफी हद तक। भाई व्लॉगिंग के लिए पंगे लेने पड़ते हैं यहाँ पे, ऐसे चलते जब कैमरा पकड़ो तो वो मज़ा नहीं आता। ये देखो अम्मा और बाबा जी माशाल्लाह शवारमा खा रहे हैं, कमाल है यार। इन लोगों को देख के बड़ी खुशी होती है यार, बड़ा ताज्जुब होता है कि ये लोग कहाँ हैं और हम कहाँ। उस बाबे ने रोका हुआ है कि फिल्म बरदारी और वाक्स ममनून कि आप मेरी वीडियो नहीं बना सकते और ना ही मेरी तस्वीर ले सकते हैं, लेकिन वो बांसुरी बजा रहा है यहाँ पे, बेचारे रोजगार कमा रहे हैं अपना। अच्छा आपको एक बात की हैरानगी होगी, फारसी में पैंट को शलवार कहते हैं यार, कमाल नहीं है। यहाँ पे दुकान पे लिखा है शलवार शलवार शलवार, भी शलवारों की दुकान है, कमाल यार ये। चला भाई अगर आप मेरे सारे व्लॉग देख लेंगे ना तो आप ईरान के मास्टर हो जाएंगे, आपको एक एक चीज़ पता चल जाएगी, बेशक जो मुझे भी नहीं पता होगी वो भी आपको नज़र आ जाएगी मेरे व्लॉग्स में। यहाँ पे पकौड़े वगैरह भी होते हैं, समोसे भी होते हैं, लेकिन वो बगैर मिर्चों वाले यार, मिर्चें नहीं होती इनमें, आटा और उसमें कोई आलू वगैरह इस तरह की चीज़ें डाल दी, लेकिन वो मिर्चें नहीं होती जो होनी चाहिए। यहाँ पे लोग थोड़े सुलझे हुए हैं, समझदार हैं, वो इस तरह कैमरे को देख के आवाज़ें नहीं मारते, खासकर शॉप्स वाले तो बिल्कुल नहीं मारते। लेकिन यार जो वो मुझे याद है मैं तेहरान में गया था ना, वो बुज़ुर्ग बाजार, वो थोड़े से लोग यार मतलब ठीक थे वो भी, लेकिन इस तरह कैमरे को देख के आवाज़ें मारना और ये वो इस तरह की चीज़ें थी यार उनमें। शलवारे राहती, ये देखो या फारसी में शलवारे रहती, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, रहती मतलब रायत हो चुकी होगी शलवार में, कोई डिस्काउंट वगैरह तो ये उस चीज़ की बात कर रहे हैं। या व्हाट इज देयर? इट इज परफ्यूम। ओके परफ्यूम, दिस ऑसम, यू लाइक इट? नो आई डोंट वांट टू बाय दिस कार बिकॉज़ आई ट्रैवल अबाउट एंड इट्स नॉट अलाउड टू टेक, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एंड यू? Yeah. You are living here in Isfahan. Ah, yes. That's good. Nice to meet you. Have a good day. ये इन्होंने एक स्टिक सी ली होती है और वो स्टिक भी बड़ी अजीब सी है, जैसे शुगर नहीं टेस्ट करते उसके ऊपर थोड़ा हल्का सा ब्लड लगा देते, वो उसी तरह की है, उस पर परफ्यूम लगाई होती है और वो टेस्ट करवा के ना तो कहते हैं कि अगर आपने लेनी हो तो आप ले लें। हमारे वाले उधर तो काम ढकनों वाला है ना भाई, परफ्यूम निकाल ली, ढक्कन में थोड़ी सी मारी और ढक्कन को ऐसे सूंघ लिया, बाजू का एक और करते हैं, 2-3 उठा ली और वो लगा भी ली और बाद में कहा कि नहीं यार ये पसंद नहीं आई, सॉरी डोंट वांट टू बाय। अब ये देखें जैसे हंस रही हैं, गुड बाय, देख लो हंस रही है यार, मतलब अजीब सा फील होता है, अब जैसे ये हंसेंगी तो फिर मुझे व्लॉगिंग नहीं होगी, अजीब बिहेवियर है यार, लेकिन अच्छा है जैसा भी है। आपको एक चीज़ दिखाऊं, बांद्री बांद्री, अब पता नहीं बांद्री का यहाँ पे क्या मतलब होगा, लेकिन पंजाबी में तो बांद्री, उर्दू में बांद्री जो फीमेल बांदर होती है उसको बोलते हैं। यार हैरानगी वाली बात है, लोगों ने भी नोज़ की वो कराई हुई है, लड़कों ने भी कराई हुई है सर्जरी, मतलब लड़कियां तो करवाएं, लड़कों ने भी करवा रखी है यहाँ पे, हैरानगी वाली बात है यार ये तो। यार देखो यार यहाँ पे लड़कियां भी कैमरे को आवाज़ें मारती हैं, मैं तो सोचा कि अच्छे लोग होंगे
यार फिर वो इस तरह हो ना तो फिर बंदे से व्लॉगिंग बिल्कुल नहीं होती, बंदा शायद फील करता है और वो फिर एक शर्म सी आती है। लेकिन कोई नहीं, व्लॉगिंग के लिए ढीठ बनना पड़ता है भाई। अच्छा यहाँ पे लोगों के कुछ लोगों की तो हाइट बिल्कुल भी छोटी छोटी होती ना, और कुछ लड़कियों की हाइट बहुत लंबी होती है। मेरे सामने जा रही हैं, आप अंदाज़ा लगाएं कि हाइट मुझसे ज़्यादा लंबी है। अब पता नहीं ये रास्ता वही है या मैं किसी और रास्ते पे जा रहा हूँ। बस बड़ी लगी हुई है और यहाँ पे कोई पानी वगैरह का भी मुझे अभी तक तो कोई बंदोबस्त नज़र नहीं आया। शायद मुझे भी यहाँ से वो बोतल पकड़नी पड़ेगी भाई। वाकई इस्फान फिरते हुए यूरोप वाली फीलिंग आ रही है भाई। यूरोप से ये कम नहीं है, बिल्कुल कम नहीं। अच्छा मैं थोड़ा अजीब लग रहा हूँ, उसकी वजह है कि मैंने ना नीचे चप्पल पहनी हुई है, ट्राउजर शर्ट की। और चप्पल पहनने की वजह है कि वो बूट पहन पहन के ना पाँव में वो जख्म से बनने लगे, पाँव लगने लगे, क्योंकि मैं चलता बहुत ज़्यादा रहा हूँ। मशहद में मैंने बहुत ज़्यादा वाक की, हाँ तहरान में भी मैंने बहुत ज़्यादा वाक की, तो वो बहुत ज़्यादा चलने की वजह से ना पाँव में इस तरह उछल। ये यहाँ पर कोई पिज़्ज़ा टाइप है लेकिन वो भी मीठा, वो नहीं जो हम पाकिस्तान में खाते हैं। अच्छा ये सिनेमा हाउस है, ये देखें आप यार, ये वो रील वाली मशीन है भाई जिसके ज़रिए पुराने दौर में फिल्में देखी जाती थी। ये इसकी रील आ गई, ठीक है, और ये इधर से इसको ऑपरेट किया जाता था। ये नीचे भी रील आ गई और यहाँ से आगे जो इस लेंस वगैरह लगे होंगे और वो सीधी ये इसकी बीम रही जो आगे सीधी जो है ना वाल के ऊपर या पर्दे के ऊपर ऐसे सीधी डायरेक्ट शॉइन डालती थी और फिर लोग इसे देखा करते थे। लेकिन अब तो फिर जदीद दौर आ गया ना। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। ओके ओके, पता नहीं क्या आखा सो कोरोना की वजह से मैं हाथ नहीं मिला। मैं भी सच्ची पागल ही हूँ कि मैं फिर इन्हें हाथ मिला दी। यहाँ पे सिर्फ घड़ियों की शॉप्स हैं यार, सिर्फ वॉच की शॉप्स। रैप सॉन्ग लगे हुए हैं भाई यहाँ पे भी। ये सामने सिनेमा है इसलिए इस एरिया में तकरीबन दो तीन सिनेमे तो मैं देख ही चुका हूँ। इंटरटेनमेंट टाइप का ये एरिया है ना, इसलिए फिर यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, सिनेमा, फिल्में, आइसक्रीम्स वगैरह और देगर शॉप्स वगैरह जो हैं। ये सामने उन्होंने फूल वगैरह लगा रखे हैं भाई। वाकई में फिर से कह रहा हूँ, इस्फहान को निसफ जहाँ है वह नहीं कहते भाई। यहाँ पर फिर ये दुकानें, सॉरी किताबें, लेकिन ये सारी जो है ना वो पर्शियन। अच्छा ज़्यादातर लोग मुझे देख के यही समझते कि आई एम इंडियन। इन्होंने सर आधे लगाए हुए हैं, पूरे पूरे सारी नहीं इनके ऊपर।